क्लास वगैरह जो है इधर स्कॉलर्स इनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप लोग के अगर जानने में फ्रेंड्स वगैरह हो तो आप बता देना। तो मैं ही कह रहा था कि इस बीच में जो सिनेरियो बन रहा है उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। आपके अंदर जो एक मन में दीपक है उसको जलाए रखना है और मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि स्कॉलर्स दिन भी बहुत चैलेंजिंग सिनेरियो में आप सभी को बहुत टाइम से ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि तमाम इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और वो सब एक ही बात को कॉम्प्लीमेंट लेके कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि जितनी स्मूथ क्लासेस यहाँ पे ऑनलाइन चल रही हैं वैसा एक्सपीरियंस उन्हें और कहीं नहीं मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि हम लोग जिस काम में 18 मार्च से लगे थे, 18 मार्च से ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, शुरू में दिक्कतें आई फिर सब स्मूथ हो गया, उसको लेकर बाकी लोगों ने काफी देर में शुरुआत करी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास भी है इंस्पिरेशन कि भाई लगे रहो, डेफिनेटली आउटपुट आएगा और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। और पॉजिटिविटी के लिए मैंने आपसे हमेशा कहा है कि लिटरेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। मैं भी कभी ऐसा फील करता हूँ, देखिए आप लोगों को मोटिवेट करते करते कभी कभी मैं भी डीमोटिवेट हो जाता हूँ, तो ऐसी सूरत में मैं कुछ अच्छी कविताएं अपने पास रखता हूँ। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि कभी भी ऐसा हो तो उसमें बैठ के व्यर्थ चिंता नहीं करना है, व्यर्थ सोचना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी पोएम्स, कुछ ऐसी जो मोटिवेटिंग शायरी है वो अपने पास रखिए संभाल के, उसे पढ़िए और रिचार्ज हो जाइए। जब IIT की तैयारी में करता था तब भी मैं ही करता था, मेरे पास हरिवंश राय बच्चन की, रामधारी सिंह दिनकर की, इन सब की जो कविताएं हैं उनकी किताबें हुआ करती थी। तो कभी भी, क्योंकि देखो जो भी समय आप चिंता करने में बिता रहे हो उसका कोई आउटपुट नहीं है, क्योंकि आप निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आप लक्ष्य से भटक रहे हो। चिंता करना या फिर सोचना बैठ के ये नेगेटिव एक्स में मूवमेंट है, आपका मूवमेंट तो पॉजिटिव एक्स की तरफ होना चाहिए, टारगेट उधर है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी कविता है, मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से सुने और इसको अपने अंदर उतारें। तो 17 महीने ही, हो सकता है लॉकडाउन आगे भी चले तो उस तक आपको ये मदद करे। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर की न छाई, कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर की न छाई, आंख से मस्ती झपकती बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई, वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो जो मन का एक दीपक है उसे जलाए रखिए, रात अंधेरी है जरूर पर हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है, वो दिया जो हमें जलाना है हमारे मन के अंदर होगा। और अब हम आते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पे हम लोग आ गए हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये जनरली बच्चों को बहुत टाइम तक समझ में नहीं आता है, समझ में आ भी जाता है तो निकल जाता है ना। कोशिश करेंगे आज इसको एक बार में ही दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लें। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में हम लोग इस चीज को यूज करने जा रहे हैं जो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का, कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में टर्म्स धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक जगह पीक पे पहुंचते हैं फिर घट जाते हैं। वो बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, जबकि इन जनरल अगर हम बात करें a+x की पावर n इस टर्म की, सॉरी इस एक्सपेंशन की, तो इसमें जो टर्म्स आएंगे उसमें तीन फैक्टर्स होंगे। एक होगा ncr, एक होगा a की पावर n-r, एक होगा x की पावर r। तो इन तीनों के इंटरप्ले से, जो टर्म्स की वैल्यूज बढ़ेंगे, इंटरप्ले कहने का मतलब क्या है, देखो a की कुछ वैल्यू गिवन होगी लेट्स से 2, और फिर आपसे कहेगा कि x की वैल्यू अगर 3 है तो फिर
ये निहारिका सिंह जो है, ये यही सी नाम से कल एक स्टाफ है वहाँ का, शमीद आलम, वो आया था। इसको पर्टिकुलरली देखो, ये शायद वही होगा, है ना। इसको बाहर डाल दो वेटिंग रूम में, ये सब ये पता करने आ रहे हैं क्या, कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ इसको चेक करो, इसी नाम से कल आया था। ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास में, बीच बीच में, बार में बार बार। आप लोग थोड़ा पैरेलली अपना काम करते रहो, ठीक है। इसमें कोशिश करो कि वेटिंग रूम में डाल के आप उससे निपट लो, ठीक है। वेटिंग रूम में जाके आप उससे कर लो, बच्चों को डिस्टर्ब ना करो आप। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की। तो मैं इसमें क्या कह रहा था, लेट से ए की वैल्यू मैंने 2 ले ली है ना, तो 2 + 3 की पावर n, इसकी अगर हम बात करें तो देखो, तुम्हें पता है कहीं ना कहीं जो पीक है वो शुरू बाद की तरफ आएगा, क्योंकि जो 3 की हायर पावर्स हैं वो टुवर्ड्स द एंड होंगी। जो 3 की हायर पावर्स हैं वो टुवर्ड्स द एंड होंगी। अच्छा, हिबा खान का मैसेज आया है, P2 बैच की निहारिका सिंह है। नहीं, अरे वो नाम दूसरे लोग रख के आ जा रहे हैं। आप ऐसा करो, आप अपने बैच कोऑर्डिनेटर का नंबर आपके पास होगा, ठीक है, आपको मैसेज में आता है और आपने नोट भी किया होगा। हिबा खान, आप उन्हें कॉल करके बैच कोऑर्डिनेटर को बता दो, या निहारिका अगर आप जानती हो तो आप उसे कॉल करके बता दो कि यार बैच कोऑर्डिनेटर को कॉल करके आ जाओ ना। प्लीज कोशिश करिए कि क्लास इससे डिस्टर्ब ना हो, है ना। आप लोग ये सब चीजें बैच कोऑर्डिनेटर के थ्रू मैनेज करिए। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि इसमें जो जनरल टर्म होगा वो ध्यान से देखो, तो NCR इंटू 2 की पावर n - r इंटू 3 की पावर r, ऐसा होगा। इसका लास्ट टर्म क्या होता है, 3 की पावर n। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 3 बड़ा है 2 से, इसलिए जो हायर पावर से 3 की, वो टुवर्ड्स द एंड आएंगे। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो आएगा वो टुवर्ड्स द एंड आएगा। और अगर मैं 3 की जगह यहाँ 5 और कर दूंगा, तो आप पैटर्न समझने की कोशिश करना, वो और उधर ले जाएगा एंड की तरफ, है ना। उसी की उसकी बजाय अगर उधर 5 हुआ, और मान लो इधर 2 की बजाय मैंने 21 कर दिया, अब बैलेंस शिफ्ट कर जाएगा स्टार्टिंग की तरफ। तो समझने की कोशिश करना है मैं क्या कह रहा हूँ। 3 चीजें हैं यहाँ पे, एनसीआर एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गया, जो आपको पता है कि मिडिल टर्म का ग्रेटेस्ट होता है, लेकिन ये ए की पावर एन माइनस आर भी है और एक्स की पावर आर भी है। तो इन तीनों के इंटरप्ले से, ये 3 फैक्टर्स हैं उनके इंटरप्ले से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कहाँ होगा ये हमें पता लगाना है, ठीक है। वो काफी कुछ डिपेंड करेगा ए और एक्स की केमिस्ट्री पे, कि ए और एक्स में किसका वेटेज रिलेटिवली ज्यादा है, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का आपको पता है, मतलब ए और एक्स दोनों की वैल्यू मैं 1 कर दूं, एक सिंपल सी बात सोचो, ए और एक्स दोनों की वैल्यू मैं 1 कह दूं क्वेश्चन में, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि फिर मिडिल टर्म हो जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, क्लियर है। जबकि क्वेश्चन में इन जनरल क्या होगा, ए की कुछ वैल्यू अलग होगी और एक्स की वैल्यू कुछ अलग होगी, उस केस में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा पता लगाना है ना। उसी कैलकुलस में भी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के लिए यही यूज करते हैं, कि मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहां पे वैल्यू बढ़ते बढ़ते अपनी पीक पे पहुंच जाए और आगे जाके वैल्यू घटने लगे, यही यूज करते हैं हम लोग। तो बढ़ते बढ़ते जब हम पीक पे पहुंच गए हैं, तो जो अगला टर्म होगा वो छोटा हो जाएगा। मतलब हम ये यूज करेंगे कि जब तक TR+1 > TR है, न्यूमेरिकली इसलिए मॉड लगा रहा हूँ, आर की वो ग्रेटेस्ट वैल्यू जिसके लिए मॉड TR+1 > TR ये होल्ड कर रहा है, वहां तक क्या होगा, हर अगला टर्म पिछले वाले टर्म से बड़ा है। और जहां पे ये होना बंद हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, पीक आ गया है। तभी तो आप, जब पीक आ गया है तभी तो ऐसा हो रहा है कि जब आप इस जगह प्लेट से पीक है, ग्रीन कलर से मैं बता रहा हूँ, पीक आ गया है, इससे जब तुम आगे बढ़ रहे हो तो आगे बढ़ते ही क्या हो रहा है, ये वैल्यू कम हो जा रही है ना। आप भी, आपका भी हर टेस्ट में नंबर यहाँ बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते एक जगह में पीक पे आ जाता है, तो आगे क्या होगा, नंबर घट जाएंगे। और जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप अपनी तैयारी ऐसे करो कि आपका पीक जो है वो कोइंसाइड कर जाए जेई मेन के एग्जाम के साथ, है ना। इसलिए बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरी तो तैयारी हो गई है, उनका पीक परफॉर्मेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जस्ट खुद को लगाए रखिए, जब आपका डेट डिक्लेयर हो जाएगा कि जेई मेन का ये डेट आ गया, उसके बाद एक्सेलरेटर दबाइए, तब तक दम लगे रहिए स्लो एंड स्टेडी, क्योंकि इस बार जो डेट चेंज हो गया उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ जिनकी तैयारी अच्छी थी, कि दिक्कत आने वाली है और आप उसमें आगे निकल सकते हैं,
वो तो सोच के बैठे कि मेरी तो तैयारी पूरी हो रखी है, अब मस्त महाभारत सुबह में, शाम में रामायण, दिन में विमकेश बख्शीमठ चल रहा है, ठीक है? तो ऐसे केस में आपके पास मौका है चुपचे से आगे निकलने का। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, पीक आर की वो ग्रेटेस्ट वैल्यू, आर की वो ग्रेटेस्ट वैल्यू जिसके लिए ऐसा हो रहा है, आर की वो ग्रेटेस्ट वैल्यू जिसके लिए ऐसा हो रहा है, वो आपको पता लगाना है, क्योंकि जब तक ऐसा हो रहा है तब तक टर्म्स, आगे वाला टर्म पीछे वाले से बड़ा है, हम बढ़ रहे हैं, और जब ऐसा होना बंद हो गया इसका मतलब हम पीक पे पहुंच गए हैं। नाउ सी, ए प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन हमने लिया है ना, इसको आप ब्रैकेट में चाहो तो यहाँ लिख लो, बाकी सारी चीजें मैं हटा दे रहा हूँ, बाकी सारी चीजें मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसको आप ब्रैकेट में लिख लेना। ए प्लस एक्स की पावर एन, एक एक्सपेंशन लिया हमने पर्टिकुलरली उसी के लिए बात करने जा रहे हैं, तो डी आर प्लस वन क्या होगा भाई, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर का मॉड ग्रेटर इक्वल एन सी आर माइनस वन ए की पावर एन माइनस आर माइनस वन एक्स की पावर आर माइनस वन, सही है भाई? तो अब इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसके बाद ऑप्शन ये है कि हम एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इसका यूज कर सकते हैं। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन क्या होता है भाई, किसी को याद है? देखो एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन हो जाएगा इधर इनटू में, ए जाएगा डिनोमिनेटर में, एक्स आएगा न्यूमिनेटर में, ये आया का मॉड ग्रेटर इक्वल वन, सही है भाई? एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, करेक्ट। डॉक्टर चौहान और सिद्धार्थ गोयल का आंसर आया है, सिंपली यहाँ जो ऊपर होता है उसमें से इस नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, तो एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इनटू एक्स बाई ए इस पूरे का मॉड। मॉड की प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई जो है मॉड एक्स इंटू मॉड वाई हो जाता है। नाउ सी, अगले स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं एन प्लस वन अपॉन आर माइनस वन, आर की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है भाई, आर की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, कोई बता सकता है? आर की ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है एन, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि एन प्लस वन अपॉन आर ये वन से बड़ा होगा, जो मैंने अभी हाईलाइट किया एक्सप्रेशन आप देखो, तो डेफिनेटली वन से बड़ा होगा ये हम कह सकते हैं। तो अगर ये वन से बड़ा है तो एन प्लस वन अपॉन आर माइनस वन जो है ये क्वांटिटी, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, तो मॉड खुल जाएगा किससे, प्लस साइन से, तो एन प्लस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स बाई ए ग्रेटर इक्वल वन, यहां से आ जाएगा एन प्लस वन अपॉन आर इंटू मॉड ऑफ एक्स बाई ए विल बी ग्रेटर इक्वल वन प्लस मॉड ऑफ एक्स बाई ए। नाउ सी नेक्स्ट, देखो ये पूरी चीज एक नेचुरल फ्लो ऑफ स्टेप के फॉर्म में आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना? उससे क्या होगा कि कभी आप ये रिजल्ट भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपने क्या किया, आपने पूरा का पूरा डिराइव कर लिया, एटलीस्ट आप आते हुए क्वेश्चन को छोड़ के तो नहीं आएंगे। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि आप इसको बार 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 जब डिराइव करते हैं तो ये पूरी चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और यही स्टेप्स कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो एक नेचुरल फ्लो ऑफ स्टेप्स है, एन प्लस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स बाई ए, अब ये नहीं कि क्वेश्चन इस डेरिवेशन को करते करते हम यही भूल जाएं कि हम क्या निकालने चले थे, हम निकालने चले थे आर, आर की वो ग्रेटेस्ट वैल्यू, देखो उस फॉर्म में आ गया आर लेस इक्वल समथिंग के फॉर्म में आ गया है, तो यहां से मॉड एक्स बाई ए से डिवाइड करके हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एन प्लस वन डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए बाई एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल आर, ये फाइनल रिजल्ट है जो अगर हमें दिमाग में, हमारे दिमाग में रहा तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है ना।
एन प्लस वन डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए बाई एक्स प्लस वन, हाँ स्क्रीन भी इसमें लैग हो रहा है, फिर ठीक भी हो जा रहा है ना, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, खुद ब खुद फिर ठीक भी हो जाएगा, या फिर मैं जस्ट आपने रिजल्ट लिख लिया, अगर क्विकली नोट कर लीजिए आप लोग ये रिजल्ट, आपको इसी का ध्यान रखना है, जस्ट एक मिनट में स्क्रीन को फिर से शेयर कर रहा हूँ, कुछ सेटिंग्स में चेंज करके ताकि ये दिक्कत ना आए। ये अभी नहीं हो पा रहा है तो उसी सेटिंग पे क्लास रिज्यूम करना पड़ेगा मुझे, सो आई एम रिज्यूमिंग द क्लास इन सेम सेटिंग्स, आई विल ट्राई इट लेटर ऑन। तो ये जो रिजल्ट है इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें आर की आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रही है क्योंकि R less equal something ये आपको मिल गया है ना, जब R less equal something मिल गया है तो उस सिचुएशन में आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन, इसमें थोड़े और भी बारीकियां हैं, उस पर हम आएंगे क्वेश्चन करते वक्त। इफ x इक्वल टू 1/3 फाइंड दी greatest term in the expansion of one plus 4x^8। कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसा आपको बताना है, क्योंकि उसके बाद तो हम निकाल ही लेंगे। सिक्स टर्म आ रहा है आंसर, आकृति का, प्रकट चौहान का, और भी काफी लोग आया है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने फॉर्मूला ऊपर निकाला है ना उसमें पुट कर देते हैं, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो डिराइव कर लेंगे, मैंने बताई दिया आपको तरीका। 8+1 डिवाइड बाई ए की जगह पे क्या आया भाई, 1/4x, x की जगह पे 4x आया है, और अब उसमें मुझे x की जगह क्या रखना है, 1/3, मॉड लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि क्वांटिटी पॉजिटिव ही है, प्लस 1 ग्रेटर इक्वल आर। नाउ 9/3/4+1 ग्रेटर इक्वल आर, 36/7, तो इधर से क्या होगा, देखो 36/7 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है,
ना? तो 5 पॉइंट समथिंग जब आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आर आर क्या भाई, आर तो यहाँ पे होल नंबर है, तो जो सबसे पास में कहने का मतलब ये है कि आर लेस इक्वल 36/7, इसको सेटिस्फाई करने वाला सबसे बड़ा आर क्या होगा, पाई भी तो होगा। इसका मतलब टर्म कौन सा बड़ा हुआ, देखो ध्यान से, ये जो इनइक्वालिटी है जो तुम सॉल्व कर रहे हो, वो इनइक्वालिटी कौन सी है, वो इनइक्वालिटी ये है जिसको तुमने सॉल्व करना शुरू किया है। क्या यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर पा रही है? यहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं कर पा रही है, क्योंकि आर 36/7 के इक्वल नहीं हो सकता है, आर लेस देन होगा 36/7 के। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, और लगा होता है उसमें बीच में, या तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा, है ना? तो आर चूंकि लेस देन 36/7 हो रहा है, इसलिए यहां भी टी आर प्लस वन ग्रेटर देन टी आर होगा। इसका मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, टी आर प्लस वन। तो आर की वैल्यू जो 5 आ रही है, तो T6 जो है वो आपका 6th टर्म जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, काफी लोगों का आंसर जो है आ गया है, मैंने देखा 4th टर्म एंड 5th टर्म, काफी लोगों का आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में। जिनका आंसर आ गया उनके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, जिन लोग अभी ट्राई कर रहे हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 3, गिवेन टी फोर इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x/8 की पावर 10 एज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, फाइंड दी रेंज ऑफ एक्स। ओके, बात है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप, 3 - 2x e पावर n है, तो हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, 9 + 1/ मॉड ऑफ ए बाई एक्स, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 3/2x, और एक्स की जगह क्या रखना है 1, है ना? तो मॉड फिर से यूजलेस है, चलो लिख दिया तो कोई बात नहीं है, +1 ग्रेटर इक्वल और नाउ सी, ये 2 ऊपर जाएगा तो 20/5 ग्रेटर इक्वल और, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर लेस इक्वल 4। अब देखो यहाँ पे आर इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि आर के तुम ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढ रहे थे, तो आर लेस इक्वल 4 में आर की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 4। इसका मतलब जो यहाँ ऊपर इनइक्वालिटी गिवन थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, मॉड ऑफ टी आर प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टी आर, इसमें इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, क्योंकि उसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते करते तुम यहाँ तक पहुंचे थे। तो अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो वो इक्वालिटी भी होल्ड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, T5 = T4, इसलिए ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएंगे, है ना? नहीं, क्वेश्चन में 1 और 2 में कोई न्यूमेरिकली लिखने की जरूरत नहीं, अगर ग्रेटेस्ट टर्म कहा जा रहा है तो ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब ये थोड़ा ना कि किसी राजा महाराजा की बात हो रही है, कि इसमें सबसे महानतम राजा कौन थे। जब टर्म की बात हो रही है तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात ही कर रहे हैं, जब एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो। हाँ, तो बात सही हो गई ना। अच्छा, 4th टर्म कह रहे हो निगेटिव है। ओके, इनका कहना है कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में चूंकि निगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, इसलिए इसमें न्यूमेरिकली लिखना जरूरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में इनका एक वैलिड डाउट आया है भाई अस्तित्व का, तो इस बात को मैं एडमिट करता हूँ कि इस क्वेश्चन में एक एरर है, क्योंकि -2x भी आ रहा है और इनमें से कुछ टर्म्स नेगेटिव भी हो जाएंगे। अगर वो एक नेगेटिव टर्म इसमें नहीं आता, है ना? और इनफैक्ट इनफैक्ट हालांकि इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आता है, बट
मतलब इसमें हो सकता है कि T4 T5 में से हम एक को निकाल लें, अगर ग्रेटेस्ट टर्म की बात हो रही है। अभी एज ऑफ नाउ जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सेकेंड टर्म है उसके नेगेटिव पावर जिसमें हो जाएगी, हाँ T5 हो जाएगा आंसर। T4 में नेगेटिव, T4 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, T5 की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अभी जो फिलहाल क्वेश्चन दिया हुआ, हालांकि ऐसे एरर नहीं कराता है जेई मेन और जेई एडवांस की। अच्छी बात यह है कि अगर स्पेशली जेई मेन तो नहीं, जेई मेन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि तो CBSE वाली जमात है पूरी की पूरी। जेई एडवांस में अगर ऐसा होता है तो एरर एडमिट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि फिलहाल जो क्वेश्चन 2 है वो क्वेश्चन अपने आप में सही है, उसका आंसर चेंज हो जाएगा, उसका आंसर T5 हो जाएगा, क्योंकि T4 जो है नेगेटिव आ रहा है। लेकिन इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आता है स्टूडेंट के लिए जनरली, और अगर वो ऐसा देना चाह रहा है तो वो हिंट में कुछ ना कुछ लैंग्वेज में लिखेगा, लिखेगा ऐसा, इट विल राइट स्पेसिफिकली कि वो टर्म्स की जो साइंस है उनको भी कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकली ऐड कर लोगे है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एनीवन? तब तक आप लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन 4। करेक्ट आंसर है नहीं, ये जो आंसर आया है -64/21 से -2, यूनियन 2 से 64/21, ये करेक्ट आंसर है। सिद्धार्थ गोयल का भी आंसर सही है, उन्होंने मोडेक्स के टर्म में लिखा था, मोडेक्स के टर्म में लिख रहा हूँ आंसर कि मोडेक्स >2 ओपन होगा ना, <64/21। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं भाई कैसे सॉल्व हुआ है। वही एक एक्सप्रेशन जो हम यूज करते आए हैं कि 10+1/mod(a/x), तो a की वैल्यू 2 होगी, फिर 3x/8 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, +1 > r। नाउ आपको पहले ही कह दिया है कि T4 जो है वो ग्रेटेस्ट है ना, मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू वाला टर्म है, ग्रेटेस्ट टर्म है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। नहीं, 2 पर क्लोज नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, 2 और 64/21 दोनों पे ओपन रहेगा। इसको ऑब्जर्व करिए, आप लोग चेक करिए। हाँ, सिर्फ बोला है T4 जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, ये साफ साफ कहा है इस क्वेश्चन में कि T4 इज ए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करनी चाहिए भाई, इससे जो सॉल्यूशन आना है वो आर
की वैल्यू यहां से आनी है 3। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 3 से 4 के बीच में लाई करेगा जो मैंने इन सर्कल किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो मैं लिखने जा रहा हूं वो ये है कि 11 अपॉन 16 डिवाइड बाय 3x का मॉड प्लस 1। कैलकुलेशन आप लोग चेक करते रहना, ये 3 से 4 के बीच में लाई करेगा। तो यहां से सिंप्लीफिकेशन का स्कोप ये है कि मैं इसको 4 बाय 11 कर देता हूँ, है ना, और 1 अपॉन में 16 अपॉन 3x। हो सकता है आपने अलग तरीके से सॉल्व किया हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं से हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 16 अपॉन मॉड 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 11 बाई 4 लेस देन 11 बाई 3। तो 11 बाई 4 में से 1 माइनस कर दिया तो यहां से आ जाएगा 7 बाई 4। चेक करते रहना भी कैलकुलेशन आप लोग, 16 अपॉन मॉड 3x सो 8 बाई 3। अब 16 से डिवाइड कर दिया तो 7 अपॉन 64 1 अपॉन मॉड 3x, और इधर पे क्या आ जाएगा, 1 बाई 6 हो जाएगा क्या, चेक करो। तो नेक्स्ट स्टेप में आके कैलकुलेशन चेक करते रहना भैया, मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि मेरी तो उम्र हो गई है। तो यहाँ इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो गया ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, मॉड 3x जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 6 लेस देन 64 बाई 7। अब मैं 3 से डिवाइड कर दूं, मॉड x ग्रेटर देन 2 लेस देन 64 बाई 21, यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फोर का आंसर आया किसी का, पूर्व का आंसर आया 16 गलत आंसर है भाई। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा और टाइम देता हूँ, इसको आप घर से करके लाइएगा, कल इसको डिस्कस करेंगे ना, आप लोगों को टाइम लग रहा है। सुमित कुमार का आंसर आया 12, ये आंसर 12 बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और टाइम में दे रहा हूँ आप लोगों को। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। इनफैक्ट मैं इस टॉपिक का जो नाम है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स से तो आप भली भांति परिचित हैं, यहाँ पे हम जो करने जा रहे हैं वो है गेम्स विद बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। भाई बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स से अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वह एक तरीके से आपको लगेगा कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ हम लोग खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिन लोगों ने नहीं लिखा है क्विकली नोट करिए। तो जैसे बहुत बेसिक रिजल्ट्स हैं सब आपको याद होंगे, है ना, जैसे सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू, ये कैसे आता है, ये x की जगह 1 रख के आता है, किस एक्सपेंशन में 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन पता है सबको, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एन एक्स की पावर n। अब x की जगह माइनस 1 रख देते हैं इसमें तो एक नया रिजल्ट आ जाता है, सी नॉट माइनस सी वन प्लस सी टू ऑल्टरनेट साइन चलता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो एक नया रिजल्ट आ जाता है, वो क्या होता है सी नॉट प्लस सी टू ऑल्टरनेट वाले टर्म्स होते हैं सी फोर, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है भाई 2 की पावर एन माइनस 1। फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पहले वाले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सी वन प्लस सी थ्री प्लस सी फाइव 2 की पावर एन माइनस 1, है ना। तो इस तरीके से ये रिजल्ट्स, ये तो 4 बेसिक रिजल्ट्स हैं,
इसके अलावा बहुत सारे और भी रिजल्ट्स बनते हैं, उसमें टोटल जो वैरायटी है कैसे आती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो हमने किया है ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला था, है ना। तो लेट्स से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे, एक्स की जगह तुमने एक बार वन रख दिया या माइनस वन रख दिया, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और क्या कर सकते थे, एक्स की जगह टू रख देते तो एक नया रिजल्ट आ जाता इस एक्सपेंशन में, वन प्लस एक्स स्क्वायर में। फिर एक्स की जगह माइनस टू रख देते, दोनों को ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, है ना। तो ऐसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले रिजल्ट हैं, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ टाइप वन, इसको मैं नाम दे देता हूँ टाइप वन, जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है ना। ये जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है इनका मैंने नाम दे दिया है टाइप वन। तो सेकेंड वैरायटी है उस पर चलते हैं हम लोग। सेकेंड वैरायटी है टाइप टू वाली, दैट इज यूजिंग कोफिशिएंट कंपैरिजन। अच्छा, अभी तक तो आप लोग क्लास में कभी कोई स्क्रीन का इशू नहीं आया था, आज पहली बार आ रहा है ये। अभी स्मूथ है, तो टाइप टू पे आते हैं हम लोग, है ना। टाइप टू इज यूजिंग कोफिशिएंट कंपैरिजन। यूजिंग कोफिशिएंट कंपैरिजन, कोफिशिएंट कंपैरिजन का मतलब क्या है कि एक एक्सपेंशन हम लेते हैं वन प्लस एक्स की पावर एन का, ये हमें समझना पड़ेगा इस बारीकी को कि वन प्लस एक्स की पावर एन और एक्स प्लस वन की पावर एन, ये एक्सपेंशन में टर्म्स तो एक्जैक्टली वही आएंगे लेकिन सीक्वेंस उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर सो वन अप टू सी एन एक्स की पावर एन। इधर पे क्या होगा, C नॉट एक्स की पावर एन आएगा सबसे पहले, C1 वन एक्स की पावर एन माइनस वन आएगा, फिर इसके बाद आगे जाएंगे तो सी एन। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, वन प्लस एक्स की पावर एन इंटू एक्स प्लस वन की पावर एन, तो आप ध्यान से देखो C0 नॉट प्लस सी वन एक्स इस एक्सपेंशन में इन दोनों के प्रोडक्ट के एक्सपेंशन में टर्म्स हमें वन से लेकर मतलब कांस्टेंट टर्म से लेकर एक्स की पावर टू एन तक के टर्म्स मिलेंगे, जिसमें अगर मैं पर्टिकुलरली फोकस करूं एक्स की पावर एन के कोफिशिएंट पे, तो यहां देखो सी नॉट और इधर देखो, मैं हाइलाइटर का यूज कर रहा हूं, इधर पे सी नॉट और इधर पे यहाँ सी नॉट है, यहाँ सी नॉट एक्स पावर एन है, फिर देखना सी वन एक्स पावर एन माइनस वन, फिर सी एन एक्स पावर एन सी एन। ग्रीन कलर का हाइलाइटर जो है उसका मैंने यूज किया है, आप फोकस करिएगा इस चीज पे। ये जो टर्म्स हैं ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स पावर एन का टर्म देंगे, तो सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर सो वन अप टू सी एन स्क्वायर। इसमें अदर टर्म्स भी हैं जिसपे फिलहाल हम फोकस नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द अदर टर्म्स, अदर टर्म्स को हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। और इधर जो एलएचएस है
उसको क्या हम लिख सकते हैं, 1 plus x की पावर 2n, और हम दोनों तरफ अब x की पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अगर इक्वल हैं, LHS RHS यहाँ पे इक्वल हैं दोनों एक साइड्स, तो दोनों तरफ हर एक टर्म का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा. तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, x की पावर n क्या लिख सकते हैं हम, 2n cn is equal to c naught square plus c1 square plus c2 square, so on up to cn square. So इसी तरीके का आप और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं. अब मैं बाकी रिजल्ट्स आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप एग्जैक्टली यही काम करके मुझे जरा x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट कंपेयर करके बताइए रिजल्ट क्या आ रहा है. अभी मैंने कंपेयर किया कोफिशिएंट किसका, x की पावर n का. अगर x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो क्या आएगा ये बताइए आप मुझे. एक मिनट, कुछ लोगों ने रिजल्ट लिखा है ऑलरेडी कि एक का गैप आ जाएगा. बिल्कुल सही रिजल्ट निकाला है आपने कि एक का गैप आ जाएगा. मतलब जो सी नॉट स्क्वायर और सी वन स्क्वायर आ रहा था उसके बजाय मैं लिख रहा हूँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन. देखो ध्यान से, अब मैं थोड़ा रेड कलर का हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ. C नॉट वाला टर्म, C नॉट वाला टर्म जाके इधर पे C1 वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है. I'm using red color highlighter. ये जो C नॉट वाला टर्म है ये C1 x की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है. x की पावर n माइनस वन आएगा इधर, C1 x वाला फिर जो है इधर आगे जो टर्म होगा इसके जस्ट आगे x पावर n माइनस वन x माइनस टू का उससे मल्टीप्लाई होगा, है ना. फिर x स्क्वायर का जो टर्म है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, x पावर n माइनस थ्री से. और लास्ट में इसके ठीक पहले x पावर n के ठीक पहले x पावर n माइनस वन वाला टर्म होगा वो जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे cn से. तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस वन 2n cn minus 1 is equal to c0 c1 plus c1 c2 so on up to
cn-1 cn एक का गैप है। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक्सी बार एन माइनस आर का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करें, एक्सी बार एन माइनस आर का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? कहने का मतलब ये है कि एक्सी बार एन माइनस वन का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो आप सोचो एक का गैप आया। हाँ, अगर एक्स बाय एन माइनस आर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आर का गैप आएगा। आर का गैप कैसे दिखेगा आपको? क्योंकि यहाँ जो पहला टर्म है सी नॉट, वो जाके पहले टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा था तो एक्स पावर एन आ रहा था। एक का गैप कर रहे थे तो एक पावर कम हो रहा था। तो आर अगर गैप कम, आर अगर गैप करना है तो आर के गैप पे मुझे टर्म्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। अस्तित्व ने आंसर लिखा है सही है, ये क्या हो जाएगा सी नॉट सी आर प्लस सी वन सी आर प्लस वन सो वन अप टू लास्ट में क्या होगा सी एन माइनस आर सी एन, और ये रिजल्ट हो जाएगा टू एन सी एन माइनस आर कह लो या फिर टू एन सी एन प्लस आर, वो सेम होगा। जैसे ऊपर वाले रिजल्ट में भी टू एन सी एन माइनस वन लिखे या फिर टू एन सी एन प्लस वन है ना, क्योंकि एन सी आर इजिकल टू एन सी एन माइनस आर। नहीं अभी फिलहाल कोई लैग नहीं है, यशी सक्सेना लिख रही है कोई लैग है। देखो बीच में टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, वर्चुअल क्लास है तो वर्चुअल ही रहेगी है ना, रियल चीज़ों को कभी वर्चुअल से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, और रियल की फीलिंग अलग होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पे, डिफरेंशिएशन टाइप थ्री। टाइप थ्री में हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब मैं ये लिख रहा हूं उसके साथ साथ मैं ये भी बता दे रहा हूं कि कभी भी डिफरेंशिएशन का यूज करने वाला क्वेश्चन जो है उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट में एक बहुत अच्छा मेथड है, वो फिफ्थ क्लास के बच्चे वाला जो मेथड है जो हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज मैथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालने में यूज किया था। क्या नाम था उस बच्चे का भाई? सिक्स क्लास का बच्चा, जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में मैथ्स की क्लास चल रही थी। हाँ करेक्ट, गॉस नाम था उस बच्चे का। तो हमारे पास ऑल्टरनेट गॉस मेथड है। गॉस मेथड क्या होता है? उल्टा करके ऐड कर देना है, ठीक है? वो मेथड ज्यादा कारगर है। तो मैं डिफरेंशिएशन में एक सिंपल सा रिजल्ट बता दे रहा हूँ, लेकिन मैंने साथ ही आपको बता दिया कि बाइनोमियल थ्योरम में काफी सारे क्वेश्चन कोएफिशिएंट वाले सिंपली उल्टा करके ऐड करने से, गॉस का सिंपली गॉस मेथड का मतलब है उल्टा करके ऐड करने से आ जाता है। तो ये जो रिजल्ट है हमारा 1 प्लस एक्स पॉइंट का एक्सपेंशन में ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस, सिंपली मैं डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ एन इंटू 1 प्लस एक्स पावर एन माइनस वन, सी नॉट उड़ जाएगा, सी वन एक्स हो जाएगा सी वन, टू सी टू एक्स प्लस थ्री सी थ्री एक्स स्क्वायर वन अप टू एन सी एन एक्स पावर एन माइनस वन है ना। और एक और भी बहुत अच्छा मेथड है सिग्मा वाला मेथड, बाइनोमियल कोएफिशिएंट से क्वेश्चंस के लिए आपके पास ये जो मेथड मैं बता दे रहा हूँ उसके अलावा इन जनरल एक सिग्मा वाला मेथड है जो काफी कारगर है। जब डिस्कशन होगा तो आप देखिएगा मैं काफी सारे क्वेश्चंस उसी से कराऊंगा। सिग्मा वाला मेथड क्या है? जनरल टर्म, जैसे ये देखो इसका जनरल टर्म क्या आ गया, इसका जनरल टर्म आ गया आर सी आर। कैसे? मैं इसमें अगर x इक्वल टू वन रख रहा हूँ, पुट x इक्वल टू वन, यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है n इंटू टू की पावर n माइनस वन, हो जाएगा c1 वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री सो वन अप टू एन सी एन। तो इसका जनरल टर्म क्या है भाई? आर सी आर है ना, तो समेशन आर सी आर से इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं। ये सबसे इजी मेथड है और इसमें जो एक रिजल्ट यूज होता है वो और आपको याद रखना होगा एन सी आर अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या होता है याद है भी किसी को? एन बाई आर। इस रिजल्ट से आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे,
इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सिग्मा आर सी आर, हालांकि सिग्मा आर सी आर से पहले मैं कॉस मेथड डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, ये जो रिजल्ट आपका आया है अगर कॉस मेथड से करें, तो ये हो जाएगा सी वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री सो वन अप टू एन सी एन। ये ऐसे अगर, तो मैं इसको उल्टा करके अगर लिखूं क्या हो जाएगा, एन सी नॉट प्लस एन माइनस वन सी वन, ठीक है। जो सी वन है वो उल्टा होगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा सी एन माइनस वन, मतलब इसके ठीक नीचे का कोई टर्म मेरे पास नहीं है। जब इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, टू एस। इधर पे एन सी जीरो है, इधर तो सी जीरो का टर्म है ही नहीं, इधर सी वन है या एन माइनस वन सी वन है ना। तो हर एक टर्म ये जब कोफिशियंट्स को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा बाहर, एन निकल जाएगा कॉमन, सी नॉट प्लस सी वन सो वन अप टू सी एन। इसकी वैल्यू क्या होती है, टू की पावर एन। यहाँ से एस क्या आ जाएगा, एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन। अब इस बेस में एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। अच्छा, सिग्मा आर सी आर वाला मेथड ही बता देता हूँ, चलो ऑल्टरनेट मेथड सिग्मा वाले का यूज करके। सिग्मा आर सी आर से क्या होगा, आप लिख जाओगे, देखो ध्यान से, ये रहा आर, इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया ना, तो हो जाएगा समेशन एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। एन तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, समेशन एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ध्यान से देखो तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, वन से एन। तो जब तुम आर को वन से एन रख रहे हो तो ये क्या हो गया, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन आ गया तुरंत। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, जहाँ भी ये लग सकता है ये बेस्ट मेथड है। तो कुछ क्वेश्चन करिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द सम, एस इक्वल टू वन इंटू सी नॉट प्लस टू इंटू सी वन प्लस थ्री इंटू सी टू प्लस फोर इंटू सी थ्री सो वन अप टू एन प्लस वन इंटू सी एन। सेम यही काम करना है अगले क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आ गया है काफी लोगों का। आई एम
एंड द आंसर इज n प्लस 2 इनटू 2 की पावर n माइनस 1 करेक्ट आंसर है। n प्लस 2 इनटू 2 की पावर n माइनस 1 क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ गया काफी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं कंफर्म कर देता हूं, इसका आंसर n प्लस 1 इनटू 2 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं, साक्षी भारद्वाज का आंसर है, अभय भारद्वाज का आंसर सही है, n प्लस 1 इंटू 2nCn। एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 4। ओके तो लग रहा है कि सब लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं, चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर है n प्लस 1 पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो
और टू है और थ्री है, ये डायरेक्टली आप गॉस मेथड से कर सकते हैं। इसमें से कोई एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, लेट से थर्ड में बता देता हूँ। तो आपने इसको उल्टा करके ऐड कर दिया है, वन इंटू सी नॉट स्क्वायर प्लस थ्री इंटू सी वन स्क्वायर, वन ऑफ टू, टू एन प्लस वन इंटू सी एन स्क्वायर। तो उल्टा करके लिखेंगे, टू एन प्लस वन इंटू सी एन स्क्वायर, वन ऑफ टू, वन इंटू सी नॉट स्क्वायर। मुझे सिर्फ इतना चेक करना था कि हर एक टर्म का जो कोफिशियंट है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, है ना। तो टू एन प्लस टू इधर भी आएगा, अगला वाला का तुम चेक करना चाहो तो यहाँ पे क्या था, टू एन माइनस वन इंटू, एक मिनट, हाँ एक करेक्शन है यहाँ पे कि जब उल्टा करके लगा रहे हैं तो हम सी एन को बना देंगे सी नॉट और सी नॉट को बना देंगे सी एन, चेंज कर देंगे ना। तो यहाँ पे टू एन माइनस वन सी वन स्क्वायर होता, तो आप चेक कर सकते हो टू एन माइनस वन प्लस थ्री क्या आएगा, टू एन प्लस टू, टू एन प्लस टू सब में से कॉमन निकल रहा है। तो ये मेथड अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है उसके लिए बस इतना चेक करना है कि ये कॉमन निकल रहा है कि नहीं। इसका टू कट के एस इज इक्वल टू एन प्लस वन इन टू सी नॉट स्क्वायर से सी एन स्क्वायर का सम एडजस्ट किया हमने टू एन सी एन। क्वेश्चन फोर पे आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन फोर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सी नॉट अपॉन सी वन को वन लिख जाए, सी वन अपॉन सी नॉट अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री कहना चाह रहा हूँ, समेशन से कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री में समेशन से अगर करना चाह रहे हो तो उसके लिए मैं हिंट दे दे रहा हूँ, वो है सिग्मा आर प्लस वन इंटू सी आर स्क्वायर, ये लंबा पड़ जाएगा। ये वाला तो रिजल्ट तुम्हें याद है, इसको क्या करना होगा, आर सी आर को फिर ब्रेक करना होगा, है ना, आर सी आर को ब्रेक करके फिर आर सी आर इंटू सी आर करना पड़ेगा, तो वो तो जाएगा लेकिन उसमें बेटर मेथड रहेगा गॉस मेथड। हाँ टू आर प्लस वन, उसमें टू को अलग कर लो, आर सी आर और सी आर, आर सी आर अभी जस्ट जैसे ऊपर बताया था, लेकिन ये मेथड लेंदी पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए गॉस मेथड कंपैरिजन में। अब आ जाते हैं सी वन अपॉन सी नॉट पे, सी वन अपॉन सी नॉट है क्या भाई, एन सी वन अपॉन एन सी नॉट, दैट इज एन माइनस जीरो अपॉन वन। फिर अगले में क्या है, वन प्लस एन माइनस वन अपॉन टू, वन प्लस एन माइनस टू अपॉन थ्री, समझा नहीं भाई। इन सब में देखो ये पेयर बन तो रहा है, सी वन अपॉन सी वन, सी टू अपॉन सी टू, सी नॉट अपॉन सी नॉट, है ना, ये सब वन बनता जाएगा। बाकी में हम क्या लगा देंगे, तो रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन वाला, है ना, सो वन अप टू वन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन, तो क्या आ जाएगा यहाँ से भाई, एन प्लस वन अपॉन वन, एन प्लस वन अपॉन टू, एन प्लस वन अपॉन थ्री, सो वन अप टू एन प्लस वन अपॉन एन, एन प्लस वन की पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर के बाद, और इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक दो वैरायटी और करा दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन पे आते हैं, कौन सा टाइप हो गया था भाई, ये टाइप थ्री था, है ना, तो आते हैं टाइप फोर पे। टाइप फोर है यूजिंग इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन, और यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना।